तैयारी अच्छी नहीं है लेकिन अच्छे नंबर लेना चाहते हो, तो ये कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, इनको देख लेना। अगर तैयारी अच्छी नहीं है तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। अच्छा, वो बच्चे भी इस वीडियो को देखें जिनकी तैयारी अच्छी है, ताकि वो भी उन सवालों में जहाँ वो फंस रहे हों वहाँ पर वो अच्छे नंबर ले सकें। तो भाई करना क्या है, सारी बातें बता रहा हूँ। ये वीडियो जस्ट पेपर से कुछ दिन पहले मैं अपलोड करूँगा, ताकि पेपरों में आपको ये बात याद रहे और पेपर में आपको फ़ायदा हो जाए। अच्छा, अब देखो करना क्या है। सबसे पहले तो भाई जो थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, अगर उसमें आपको ज़रा सा भी कुछ पता है और आप लिख दोगे तो टीचर आपको नंबर ज़रूर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, आपने इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा लेकिन क्लास में लेक्चर लिया था और थोड़ा बहुत याद है, और आपसे पूछ लिया जाता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बताओ, तो आप क्या करोगे, आप जो भी आपको पता है, जो भी आपने क्लास में पढ़ा था, उसको अपनी वर्डिंग में लिख दोगे। जब आप ऐसा करोगे तो आपको टीचर कुछ ना कुछ नंबर देगा, क्योंकि थ्योरी वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें जस्ट आपने कुछ पॉइंट लिखने होते हैं, कुछ बातें बतानी होती हैं। तो अगर आप कुछ पॉइंट लिख दोगे, कुछ बातें बता दोगे, तो नंबर ज़रूर अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, समझ गए। जितने भी थ्योरी वाले क्वेश्चन आएंगे उनको आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, आपने क्लासें ली हैं, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ होगा, जब क्वेश्चन देखोगे कुछ ना कुछ याद ज़रूर आ रहा होगा, तो कोशिश कर कर लिख देना। अच्छा, अब जिन सवालों में डेरिवेशन होती है उनका क्या करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अच्छा अब एमसीक्यूज पर आओ। समझ गए ना, थ्योरी वाले क्वेश्चन केमिस्ट्री हो, फिज़िक्स हो, बायोलॉजी हो, नहीं भी आ रहे हैं फिर भी कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश करो जो आपने पढ़ा है क्लास में। ठीक है, जो भी थोड़ी बहुत बातें पता है, 5-6 लाइनें ही आ रही हैं या 2-3 पॉइंट आ रहे हैं, लिख दो, 5 नहीं तो 2-3 नंबर ज़रूर आ जाएंगे। चलो अब आओ एमसीक्यूज। देखो भाई एमसीक्यूज में बच्चे पता है क्या करते हैं, एमसीक्यूज में फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, तो बच्चा करता है राइट आंसर ढूंढने की कोशिश। बेशक मैं भी ये करता हूँ, लेकिन जब आपको ये फ़ायदा कब करेगा, जब आपने उस एमसीक्यूज को कभी पढ़ा हो या उस बारे में कभी कोई बात पढ़ी हो। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सवाल आ जाए कि फोर्स का यूनिट बताओ। ठीक है, आप फोर्स का यूनिट बताओ। अब आपको फोर्स का यूनिट नहीं पता, वैसे तो सबको ही पता होगा लेकिन तसव्वुर करो नहीं पता, लेकिन आपने क्या किया, आपने देखा कि इनमें से कितने सवालात गलत हैं, इनमें से कितने पॉइंट गलत हैं। अगर वो गलत वाले पॉइंट हटा दोगे तो जो सही पॉइंट होगा वो मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल फोर्स का यूनिट आपसे पूछा गया है, अब आपको नहीं आता। ठीक है, यहाँ लिख दिया न्यूटन, यहाँ लिख दिया न्यूटन पर मीटर, और यहाँ लिख दिया आपके पास मीटर क्यूब। अब आपको थोड़ा बहुत तो पता है कि भाई मीटर सेकंड तो नहीं हो सकता, इसी तरह मीटर क्यूब भी नहीं हो सकता। अब न्यूटन मीटर में मैं कन्फ्यूज़ हूँ, तो आपने लगा दिया न्यूटन, तो ये ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने गलत अलग कर दिए, जो चीज़ें गलत थी उन्हें अलग कर दिया। जब गलत अलग करोगे तो सही वाला खुद ही नज़र आने लग जाएगा, बात समझ आ जाएगी। अक्सर बच्चे, मैंने खुद देखा है, अक्सर बच्चे ये करते हैं। एक स्टूडेंट की बात बताता हूँ, उसने क्या हरकत करी, उसका था एंट्री टेस्ट था, ठीक है, जॉब वगैरह का एंट्री टेस्ट था उसका। अब उस स्टूडेंट ने ये किया कि उसमें आई थिंक कुछ 100 एमसीक्यूज आए थे, तो उन्होंने 75 तो कर लिए और 75 बिल्कुल ठीक थे, मतलब उनको आते थे, 25 छोड़कर आ गए, टाइम भी था फिर भी छोड़कर आ गए, तुक्के भी नहीं लगाए। अब जब वो आए मैंने पूछा भाई कितने किए, क्या किया, तो कह रहे हैं मैंने 75 करे, 25 छोड़ दिए। मैंने कहा एमसीक्यूज भी कोई छोड़ता है क्या? तो फिर उन्होंने बताया मेरे को 25 बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। तो मैंने कहा भाई अगर नहीं भी आ रहे थे तो कम से कम कोशिश तो करते कुछ ना कुछ करने की, तुक्का लगा देते हैं या कुछ ना कुछ तो करते हैं, 25 में से कुछ तो नंबर आ जाते, 5 या 10, अब वो तो पूरे ज़ीरो हो गए ना 25। तो आपने भी बिल्कुल ये चीज़ करनी है। ठीक है, पहले तो गलत आंसर्स को अलग कर देना है अगर राइट आंसर नहीं पता। ठीक है, अगर फिर भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो कोशिश करो कि भाई कुछ ना कुछ लिख दो ताकि सही होने के चांसेस हों। ठीक है, ये करना, ये आपको पूरा चांस होता है, इससे नंबर नहीं कटेंगे आपके। एक और चीज़ बताता हूँ कि भाई देखो कंपलसरी में ना बच्चे बहुत ज़्यादा अपने नंबरों को कटवा रहे होते हैं। अब मैथ में उनके आ रहे होते हैं 90, ठीक है, या 75, लेकिन कंपलसरी में उनके कितने आ रहे होते हैं कि कंपलसरी में उनके आ रहे होते हैं 100 में से 50 या 55, ठीक है, या बहुत ज़्यादा 60 आ रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है, परसेंटेज में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो भाई आप लोग जो ये वाला सेक्शन है ना, कंपलसरी वाले जो पेपर्स हैं, इनको अच्छे किया करो।
ताकि कम टाइम में अच्छे नंबर आपके आ सकें। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। अब बहुत सारे बच्चे डर रहे होते हैं कि अपनी वेडिंग में लिखें या ना लिखें। देखो, एक छोटी सी बात बताऊंगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो आंसर अपनी वेडिंग में लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं भी जो अपना आंसर लिखता हूँ ना, यानी यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होता है मेरा, उसमें जो मैं आंसर लिखता हूँ वो अपनी वेडिंग में लिख कर आता हूँ। कोई भी रट के नहीं जाता, आंसर अपनी वेडिंग में लिखता हूँ। तो जब मैं अपनी वेडिंग में लिखता हूँ तो वहाँ पर मेरे बहुत अच्छे नंबर आते हैं। कितने नंबर आते हैं? देखो, 90 नंबर आ रहे होते हैं 100 में से, या 85। अच्छा, अब बोलोगे सर ये 15-20 नंबर कहाँ कटे? तो देखो, ये जो 15-20 नंबर कटे ना, ये कटते हैं कभी न्यूमेरिकल में कोई गलती हो जाए या न्यूमेरिकल का आंसर सही ना आ रहा उसमें। अक्सर नंबर अच्छे मिल जाते हैं, 90-80% मार्क्स मिल जाते हैं। तो आप अपनी वेडिंग में लिखने की पूरी कोशिश करा करो। ठीक है, इंग्लिश को इम्प्रूव करो, इंग्लिश अच्छी करोगे तो अपनी वेडिंग में लिख लोगे। अब ये कुछ पॉइंट थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। एक आखिर बात, फिर वीडियो को ख़त्म करता हूँ कि देखो, कंपलसरी का पेपर ना बहुत ज़्यादा गैस पेपर से या पास पेपर से लग जाता है। तो आप कंपलसरी की तैयारी गैस पेपर से, पास पेपर से ज़रूर करा करो, ताकि आपका पेपर लग जाए, और अगर पेपर लग गया तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे। तो भाई, आखिर में ये कहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक। आप एग्ज़ाम बहुत करीब हैं, अब आपका एग्ज़ाम है बहुत सारे बच्चों का कल से, तो अच्छी तैयारी करना, रिवीजन करके जाना ताकि अच्छे नंबर आ सकें। अगर कुछ ना समझ में आया हो, कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर कर आप पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल गाइड करूँगा, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीपिंग रूम में ज़रूर याद रखना।